hello everyone i am ratnesh kothari welcoming you all on the u academy platform as you know we were discussing about the tourism in madhya pradesh so far we have discussed about the tourism board the tourism development corporation and what were their works yeah, what are their works along with that we have discussed some major tourist destinations or tourist sites of your bhopal region हम लोगों ने भोपाल रीजन की जो आपके टूरिज्म है उसकी बात कर ली थी इन दैट सीरीज लेट्स गोवा हैड विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विच इज़ योर रायसेन अगला जो आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे फेमस अगर मैं बात करूँगा टूरिस्ट स्पॉट या आपकी जो टूरिस्ट साइट है इट इज़ योर भीम बेटे का भीम बेटे का की अगर मैं बात करूँगा इट इज़ अ रॉक शेल्टर साइट जो कि आपके वीएस एस वाकणकर ने क्या किया था उसको डिस्कवर किया था याद रखिएगा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बाई यस वाकणकर और यहां अगर मैं बात करूंगा आपको क्या देखने को मिलेगा ह्यूमन जो आपके ऑरिजन है उसके बाद आपकी क्या क्या डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दी प्रिमिटिव मैन जो आपके प्रिमेटिव ह्यूमन थे उनकी एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा उनके द्वारा जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है विद डिफरेंट कलर्स एंड यूजिंग बाई यूजिंग ओकर उसको आपके सारे के सारे जो देखने के लिए मिल जाएंगे नेक्स्ट अगर okay. बात करूंगा जो आपकी भीम बेटिका रॉक शेल्टर है इनको आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया है इट वॉज इंक्लूडेड इन दर टू थाउजेंड थ्री दो हजार तीन के अंदर इन्हें आपके इंक्लूड किया गया है विंध्याचल अगर मैं बात करूँगा माउंटेन जो है इससे आपके सराउंडेड है कौन सा भीम बेटिका जो विलेज है यहीं पर अगर मैं बात करूँगा आपको बेतवा रिवर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं आपके भीम बेटिका रॉक साइड के बारे में अगली हम बात करेंगे आपके भोजपुर so, के शिव मंदिर सो भोजपुर टेम्पल की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर इट वॉज बिल्ट बाय योर परमार किंग राजा भोज अराउंड एलेवन सेंचुरी ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास इसको आपके बनाया गया था राजा भोज जो कि आपके एक परमार राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था यहाँ अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली द वन विच हैज द फिगर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी सोमनाथ ऑफ द नॉर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इसे आपको इसे इस पर्टिकुलर टेम्पल की अगर मैं बात करूँगा भोजपुर टेम्पल की तो इसे आपके उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का सोमनाथ भी अगर पूछेगा तो आपके भोजपुर टेम्पल को ही कहा जाता है यहां से थोड़ी दूरी पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा बेतवा जो रिवर है वो आपको देखने को मिल जाएगी बेतवा रिवर इज एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेम्पल जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर हर साल आपके संक्रांति पर और शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है यहाँ पर जो शिवलिंग इंस्टॉल किया गया है इट इज़ ऑफ आई गेस मोर देन फोर्टीन फिट्स आपके बहुत ज़्यादा ऊंचा लंबा अगर आप देखोगे तो आपको शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भोजपुर टेम्पल है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाया था और उससे पहले ही अगर हम बात करेंगे आपके जो राजा भोज है उनकी आपकी डेथ हो गई थी तो आज भी अगर आप जाकर देखोगे भोजपुर टेम्पल को तो वहाँ पर जो आपका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा इट इज़ नॉट मतलब ऐसा लगेगा कि टूटा हुआ है बट वो टूटा हुआ, हुआ नहीं इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम बस याद रखिएगा बनवाया किसने इट वॉज कम्प्लीटेड और इट वॉज़ बिल्ट और राजा भोज अगली हम बात करेंगे यहाँ पर रायसेन के किले के बारे में रायसेन के किले की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर रायसेन फोर्ट की तो इसे आपके राजा राज बसंती ने बनवाया था किसने बनवाया था भाई राजा राज बसंती ने इसका आपके कंस्ट्रक्शन करवाया था अब इस पर्टिकुलर फोर्ट की अगर मैं बात करूँ करूँगा या इस किले की जब मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पैलेसेस देखने को मिल जाएंगे पैलेसेस से मतलब जो महल हैं आपके जैसे कि बादल महल हो गया राजा रोहित महल हो गया इत्रदार महल हो गया ये सभी के सभी महल आपको रायसेन के किले के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे यहीं से अगर मैं बात करूँगा रायसेन के किले के अंदर आपको चार बड़े तालाब भी देखने को मिलेंगे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है आपका शीश ग्रही तालाब याद रखिएगा शेष ग्रही तालाब या शेषग्रही पॉइंट जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है देर इज ऑल्सो आ लक्ष्मी टेम्पल आपको एक लक्ष्मी टेम्पल भी देखने को मिलेगा रायसेन के किले के अंदर विच इज़ ऑन दी बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपका शेषाशाही अगर मैं बात करूंगा ये शेषाग्रही तालाब देखने को मिलता है रायसेन जो किला है आपका ये किस लिए है फेमस है रायसेन का किला उसकी जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है तो रायसेन का किला बनवाया किसने था सर राजा राज बसंती ने इसको बनवाया था याद रहेगा आगे बढ़ रहा नेक्स्ट mm. हम बात करेंगे रायसेन में एक और इम्पोर्टेंट साइट है जैसे अगर मैं बात करूं हमने अभी भीम बेटिका के बारे में पढ़ा था अभी आपके सांची की बात हो रही है सांची की अगर हम बात करेंगे तो इसके अपने आप में एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस है कैसे है भाई इसकी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग है आपकी इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अलग है अगर मैं बात करूँ तो बहुत मेजर साइट में से एक है आपके मध्य प्रदेश में सांची, विच इज़ एसोसिएटेड विद दी बुद्धिस्ट स्तूपास जो कि आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं रायसेन की अगर मैं बात करूँगा तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किस किस का बात करें अगर यहाँ पर तो देखो यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर स्तूपास चैत्यास जिन्हें मोनेस्ट्रीज या विहारास एंड टेम्पल्स कैन बी सीन एट वन प्लेस यानी कि आपको चैत्य कई... देखने को मिल रहे हैं आपको विहाराज देखने को मिल रही है आपको स्तूपास देखने को मिल रहे हैं आपको बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिल रहे हैं आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं और ये सभी के सभी आपको कहाँ पर देखने में मिलेंगे सांची रायसेन के अंदर जो कि आपके बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है ऑफ दी बुद्धिस्ट क्रिएटिविटी जो आपका बुद्धिस्ट आर्ट है उसका जो स्कल्पचर है कंट्री के अंदर उसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपका सांची स्तूप अगर मैं बात करूं सांची स्तूप के बारे में यहाँ पर तो इसको एंशियंट uh, पीरियड के अंदर क्या बोलते थे यहाँ पर दोस्त इसको आपके शांति पर्वत के नाम से जाना जाता था एक बार रिपीट कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोल रहे हैं इट वॉज़ फेमस बाय द नेम शांति पर्वत इन देंट पीरियड विच मीन्स क्या होगा जहाँ पर आपकी शांति से जो आपके मॉन्क्स वगैरह थे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह यहाँ पर आकर अपने मेडिटेशन वगैरह किया करते थे और यहीं पर आके रहा करते थे इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा आपके शांति पर्वत क्लियर है याद रहेगा भाई हम बात करें सांची के बारे में एंशियंट नेम क्या हो जाएगा आपका शांति पर्वत ठीक है इसको आपके काकनाथ भी कहते हैं सांची की अगर मैं बात करूंगा तो तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड है काकनाथ किसका पुराना नाम है तो सांची का पुराना नाम आपके काकनाथ याद रखिएगा का? मैं लिख देता हूँ एनशियट नेम काकनाथ ठीक है और इसी को आपके क्या बोल रहे थे आपके शांति पर्वत आगे बढ़ो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अगले जिले के बारे में इट इज योर विदिशा तो हमने रायसेन के अंदर क्या क्या पढ़ा सर रायसेन के अंदर हमने पढ़ा है अभी तक भीम बेटिका की गुफाएं सांची के बारे में पढ़ा रायसेन के किले के बारे में पढ़ा और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अब विदिशा चलिए विदिशा की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो थोड़ी सी विदिशा की हम स्टोरी जान लेते हैं बैकग्राउंड क्या है विदिशा का क्योंकि विदिशा अपने आप में एक एंशियन पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी या सबसे इम्पोर्टेंट टाउन हुआ करता था फ्रॉम अगर मैं बात करूँ मॉरियन पीरियड टिल गुप्ता पीरियड या आपकी मेजर डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया है उनमें अगर आप देखोगे तो विदिशा वॉज दी प्रोमिनेंट सिटी या प्रोमिनेंट टाउन ऑफ दैट टाइम अर्लियर इट वॉज नोन एज योर बेसनगर इसको आपके बेसनगर भी बोलते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है तो ऑन दी बैंक ऑफ बेतवा रिवर पाली लैंग्वेज के अंदर इसको आपके बेस नगर कहा जाता है इफ़ आई टॉक अबाउट द एनशियट टाइम तो आपके सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस कैपिटल हुआ करती थी ऑफ तो द वेस्टर्न पार्ट क्यों क्योंकि ट्रेड का सेंटर हुआ करता था सारे जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे वो यहीं पर थे अगर आपको याद हो तो एक विदिशा के सेठ नगर थे जिनकी बेटी की शादी आपके अशोक के साथ होती है और अगर बात करें यहाँ से आपको और क्या देखने को मिलेगा सर ट्रेड के साथ साथ अगर हम बात करें कल्चरल इंपॉर्टेंस भी थी यहाँ पर हेरीडोरस पिलर आपको देखने को मिलेगा तो विदिशा में अपने आप में अगर मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टाउन या सिटी आपके उस समय की हुआ करती थी आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आप देखोगे दिस सिटी वॉज इमर्ज एज द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एज आई टोल्ड यू अब कब की बात हो रही है अराउंड फिफ्थ एंड दी सिक्स सेंचुरी बीसी के आसपास की जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्स सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी बीसी के आसपास की बात हो रही है जो अशोक अगर मैं बात करूं यहां पर आपके उज्जैन के अगर मैं बात करूँ उनको अवंती के गवर्नर बनाया गया था तब ये कहाँ से जा रहे थे आपकी विदिशा से होते हुए जा रहे थे और इसी वक्त इन्होंने आपकी अगर मैं बात करूँ महादेवी के साथ शादी की थी और इस बात का जिक्र अपन को कालिदास की मेघदूत से पता चलता है ऐसा माना जाता है रुकमंद याद रखिएगा एक राजा हुआ करते हैं रुकमंद रुकमंद अगर मैं बात करूँ एक राजा थे उन्होंने क्या किया था उनकी जो वाइफ थी उनकी जो क्वीन थी उसको छोड़ दिया था और किसको अपना लिया था एक अप्सरा थी विश्वा नाम की याद रखेगा विश्वा नाम की एक अप्सरा थी जिनको उन्होंने अपना लिया था और उन्हीं के नाम पर फिर क्या नाम रखा गया है? सिटी का विश्वास नगर तो जो अफ्सरा जिसका नाम विश्वा था रुकमंत जो आपके राजा हुआ करते थे उन्होंने अपनी वाइफ को त्याग कर छोड़कर एक अप्सरा को अपना लिया था और उस अफसरा का नाम था आपके विश्वा उसी के नाम पर अगर हम बात करेंगे जो आपकी विदिशा है इसका नाम क्या पड़ा विश्वास नगर क्लियर है भाई याद रहेगा आगे बढ़ रहे नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जब वेस नगर की बात हो रही है अराउंड सेवेंटीन सेंचुरी माफ कीजिए अराउंड सेवन सेंचुरी के आसपास ई के आसपास की बात हो रही है यहाँ पर क्या हुआ ये जब वेशनगर जो था टूट गया अटैक्स वगैरह होना शुरू हो गए थे यहाँ पर अब ईस्टर्न बैंक जो था आपका अगर मैं बात करूँगा वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेशनगर कौन सा पार्ट है सर वेशनगर तो हो रहा है आपका वेस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में अब नए नए टाउन्स आपके डेवलप होना शुरू हो गए थे और जब वो नए टाउन आपके डेवलप होना शुरू हो गए उनको बोल रहे हैं आपके भेलसा वैमिन और आपकी भिल्सा वामिन याद रखिएगा इन्हीं को बोला गया आपके जो ईस्टर्न पार्ट है ऑन दी बैंक ऑफ योर बेथ रिवर देखो वेस्टर्न पार्ट में आपके वेस नगर था ईस्टर्न पार्ट में आपको बोले, आ, आ, भेलसा नगर बोलेंगे इसको या भेलसा वामिन बोलेंगे या भिलसा वामिन एंड लेटर ऑन इसको आपके भिल्सा या वेलसा के नाम से जाना जाता है तो अपन को सर विदिशा के बहुत सारे पहली बार तो एंशियंट नेम पता चल रहे हैं क्या एक तो पता चला आपके विश्वानगर फिर हमने भेलसा देखा इसको हमने बेस नगर भी कहा है याद रहेगा अगर मैं बात करूं जो भेलसा नाम है ये किस पर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन सन टेम्पल हेयर विच इज डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य भगवान की अगर मैं बात करूं यहां पर उनको समर्पित करते हुए आपके जो सूर्य भगवान का मंदिर बनाया हुआ है वहीं से आपके भेल सा नाम लिया गया है ठीक है भाई नगर की बेटी हुआ करती थी जिनकी शादी आपकी अशोक के साथ होती है और इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बताया अब यहीं से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है उज्जैन के अंदर एक वैश्य टेकरी भी बनी हुई है जिसे महादेवी शाक्य कुमारी की टेकरी भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं जब अशोक ने आपके अगर मैं बात करूंगा पॉलिसी ऑफ धम्म को अडोप्ट कर लिया था इंस्टेड ऑफ भेरी घोष पॉलिसी ऑफ धम्म को जब उसने एक्सेप्ट किया था तो उसने अपने बेटे और बेटी दोनों को क्या किया था भेजा था कि आप जाइए और बुद्धिज्म को प्रपोगेट करिए एंड वाइल गोइंग टू सिलोन श्रीलंका जाते हुए अगर मैं बात करूँगा आपके जो उनके बेटे थे महेंद्र और उनकी बेटी थी संगमित्रा तो उनकी जो बेटी है वो कहाँ पर रुकती है वो आपके हत्ता मॉनेस्ट्री में रुकती है हत्ता मॉनेस्ट्री आपके श्रीलंका के उधर और जो आपके महेंद्र हैं जब ये अपने कंपेनियंस के साथ जा रहे होते हैं तो उससे पहले अपनी माता से मिलने आते हैं कहाँ पर सांची के अंदर और जब ये मिलने आते हैं तो इनकी मदर इनको कहाँ पर लेके जाती है पर्टिकुलरली चैत्यगिरी में याद रखिएगा इट वॉज यैत्य चैत्यगिरी जहाँ पर उनको लेके जाती है एंड उसी जगह को आज आपके सांची के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा आपके सिलोन यानी कि श्रीलंका जाते हुए जब आपके महेंद्र आपके प्रपोगेट करने जा रहे हैं बुद्धिज्म को उससे पहले वो अपनी माता यानी कि महादेवी शाक्य कुमारी से मिलने आते हैं और यहीं पर जब वो मिलेंगे इसका नाम आपके ऐसे सांची की तरह फेमस होना अगर, मतलब शुरू हो जाएगा मतलब चैत्यगिरी जहाँ पर वो लेके जाती है उसी जगह को आज सांची के नाम से जाना जाता है अगली हम बात करेंगे खम्ब बाबा खम्ब बाबा की अगर मैं बात करूँ तो ये एक पर्टिकुलर पिलर है जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पिलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इट इज़ डेडिकेटेड टू दी लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु को ये आपके समर्पित है इट मीन्स अल्टीमेटली इट इज़ शोइंग द रिलीजन वैष्णववाइट्स या मैं बात करूँ वैष्णविज्म को आपके प्र, आ, मतलब वैष्णविज्म के आपके एविडेंसेस बता रहा है यहाँ पर और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसी को आपके हेलियोडोरस पिलर भी बोलते हैं इसी को आपके खम्ब बाबा भी बोलते हैं अगर मैं बात करूँ These temples were built by joining the 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 bricks together with the mortar and the lime, which is probably the first example use of the cement in India. अगर बात करूं यहाँ पर तो आपको देखने में मिलेगा ये जो पिलर आपको देखने में मिल रहा है इट वॉज इंस्टॉल्ड अगर मैं बात करूंगा by the Sakas. और उसमें भी क्यों आए थे वो भाई बेसिकली वो आए थे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बट इस्टेब्लिशमेंट मतलब इस्टैब्लिशमेंट अगर आप कर रहे हो जिसके पीरियड में आप आ रहे हो अगर वो किसी चीज़ को अगर फॉलो करता है तो अगर आप आके कहाँ से आ रहे हो आप आ आ रहे हो नॉर्थ वेस्ट से वहाँ से जब आप आ रहे हो यानी इराक ईरान वाले पार्ट से जब आप आ रहे हो और वैश्वर्विज्म को आप प्रमोट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दी जाएगी और यही अगर मैं बात करूँगा तो आप देखोगे जस्ट सेकेंड इसी को अगर मैं बात करूं जिस व्यक्ति ने इसको इंस्टॉल किया था उसी के नाम पर इसको क्या कहा गया है, पिलर कहा है या आपके कहा है देयर इज अ पिलर स्टैंडिंग अपराइट इन सिंगल रॉक अगर आप देखोगे तो सिंगल रॉक पर आपको पिलर देखने को मिलेगा इसी को आपके गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं याद रखिएगा इसी को आपके गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं अगर मैं बात करूँ इस गरुड़ पिलर की पर्टिकुलरली तो ऐसा मानते तक्षशिला के अगर मैं बात करूँ एक रेसिडेंट हुआ करते थे उन्होंने भगवान विष्णु या वसुदेव को अगर मैं बात करूँ एज ए मतलब ध्यान में रखते हुए उनको सम्मान आ, उनको ध्यान में रखते हुए उनको सम्मानित करते हुए इस पिलर को इंस्टॉल किया था और ये आपके अराउंड 140 फोर्टी ईयर आज से अगर हम बात करेंगे इससे पहले आपके 140 फोर्टी ईयर बी के आसपास आज से आपके पहले इसको बनाया गया था अगली हम बात करेंगे उदयगिरी गुफाओं के बारे में उदयगिरी की जो गुफाएं हैं आपके ये आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है एंड इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दी अगर मैं बात करूं गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड से आपके बिलोंग करेंगी और इंपॉर्टेंट चीज यहां से अगर मैं बता दूं ये आपकी जैनिज्म से रिलेटेड है तो अगर क्वेश्चन आता है कि उदयगिरी की गुफाएं आपके किस रिलीजन से एसोसिएटेड है तो पहली चीज ये समझ लीजिए ये आपके जैनिज्म से एसोसिएटेड है चंद्रगुप्त टू वॉज द रूलर जिनके टाइम पे अगर 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 मैं मैं बात 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 की आपके बनाई गई करेंगे यहाँ पर तो आप देखोगे टोटल आपकी गुफाएं बनाई गई थी उनमें से आप, तो आप बहुत आपको देखने को मिलेंगे यहां पर तो उदयगिरी की गुफाएं आपके रिलेटेड है अराउंड फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के आसपास बनाया गया था चंद्रगुप्त टू उस समय रूलर हुआ करते थे जैनिज्म से एसोसिएटेड है ठीक है आगे हम बात करेंगे यहां पर नीलकंठेश्वर टेम्पल ऑफ उदयपुर नीलकंठेश्वर टेम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो विदिशा से 33 किलोमीटर दूर और भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठेश्वर का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा और ये अगर मैं बात करूंगा वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी अगर मैं बात करूंगा परमार पीरियड स्कल्पचर जिसे आपके नीलकंठेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है अब इसकी खासियत क्या है मैं वो बताता हूँ देखो यहाँ पर जो आप शिखर देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ ये अगर मैं बात करूँगा इसकी सबसे बड़ी खासियत है द ग्रैंड पीक ऑफ दिस टेम्पल इज इम्पैकेबल बाई इट्स ब्यूटी अमंग द टेम्पल्स ऑफ इंडिया जो टेम्पल्स ऑफ अगर मैं बात करूँ इंडिया है उनमें अगर शिखरों की कभी बात होगी तो सबसे पहला नाम आपके किसका लिया जाएगा नीलकंठेश्वर टेम्पल ऑफ द उदयपुर विच वॉज

हम बात कर रहे हैं आपके नीलकंठेश्वर टेम्पल जो कि आपके विदिशा के अंदर देखने के लिए मिलता है क्लियर है दोस्त आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बीज मंडल के बारे में या बीजा मंडल भी बोलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूँ इन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी अराउंड अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो टेम्पल्स हैं आपको वो आपके परमार डायनेस्टी से बिलोंग करेंगे यहाँ पर और इसी में आपके एक जो अगर मैं बात करूं टेंपल बनाया गया तो उसको बोला गया था कि भोज मंडल या बीज मंडल भी इसको आपके कहा जाता है इसका जो कंस्ट्रक्शन है अगर मैं बात करूंगा अराउंड एलेवन सेंचुरी के आसपास इसकी आपके शुरुआत करी गई थी बट जब आप देखोगे इस टेम्पल मतलब पर्टिकुलर बीज मंडल को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ऐसा लगेगा इसका जो टेम्पल है जो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो अधूरा रह गया था एंड दैट इज द रीजन अगर मैं बात करूंगा इसको आपकी आ, कहां पर अराउंड एलेवेंथ सेंचुरी के आसपास क्योंकि आपके डिक्लाइन भी होना शुरू हुआ था उधर परमास का नेक्स्ट हम बात करेंगे पचमढ़ी के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में एस वी नो अगर मैं बात करूँ पचमढ़ी को क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहाँ पर आता है तो भाई ये आता है आपके पर्टिकुलरली नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर तो पचमढ़ी को डिस्कवर किसने किया था तो पचमढ़ी की जो डिस्कवरी है ये आपके डेंजर फील्ड या डोंगर फील्ड नाम के एक व्यक्ति है इन्होंने किया था अब मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए क्या बताना है सर कमेंट करके मुझे बताइए कि किस ईयर के अंदर पचमढ़ी की डिस्कवरी की गई थी ठीक है पचमढ़ी की जो डिस्कवरी है वो किस ईयर में की गई थी मैंने आपको बताया एक व्यक्ति थे ब्रिटिश जिनका नाम था डेंगर फील्ड और इन्होंने क्या किया था आपके पर्टिकुलरली जो आपके पचमढ़ी इसकी डिस्कवरी की थी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये अगर मैं बात करूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट हिल स्टेशन ऑफ द मध्य प्रदेश अगर आपको नेचुरल सेनेरिक ब्यूटी देखनी है यू शुड गो टू पचमढ़ी एट अर्यर इट वॉज दी समर कैपिटल फॉर दी ब्रिटिशर्स ये आपके समर कैपिटल हुआ करता था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको गर्मी देखने के लिए नहीं मिलती है अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो सतपुड़ा की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में आपको पचमढ़ी देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको केव्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर आपको ब्यूटिफुल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी अगर मैं बात करूँगा स्पॉट्स हैं जो कि आपके सीनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चलिए जात बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे तो पचमढ़ी को आपके क्या बोला जाता है इट्स कॉल्ड दी ग्रीन बॉक्स ऑफ द इंडिया याद रखिएगा जो आपके ग्रीन बॉक्स ऑफ द इंडिया किसको बोला जा रहा है पचमढ़ी को बोला जा रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जटाशंकर के बारे में तो जटाशंकर की जो गुफाएं ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और इसके पीछे की कहानी अलग ही चलती है क्या है एक बार अगर मैं बात करूंगा एक दैत्य हुआ करता था और यहां अगर मैं बात करूंगा हमारे जो भगवान शिव है इनके बीच की तो उस समय अगर मैं बात करूंगा, आपने सुना है भस्मासुर का नाम भस्मासुर और भगवान शंकर के बीच की कहानी है और भगवान शंकर वहां से भागकर ऐसा मानते हैं आपके कैलाश पर वास्ते कि यहां पर आकर छुप गए थे और अपनी जटाओं को साथ में लेकर आए थे और जब वो वापस जाते हैं उनकी जो जटा है वो यहाँ पर रह जाती है और इसी के चलते इसका नाम क्या पड़ा है आपके जटा शंकर याद रखिएगा सो so, ये अगर मैं बात करूँ देयर इज अ सेक्रेट केव इन अ ग्रुप ऑफ रॉक्स विच एज द ऑरिजिन ऑफ द जम्मूदीप सोर्स जम्मुदीप जो सोर्स है उसका ओरिजिन है इसको आपके कंसिडर किया जाता है देर इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू दिस केव क्या बोला गया है दैट ड्यू टू द फियर ऑफ भस्मा सोन जैसा कि मैंने आपको कहा लॉर्ड शिवा लेफ्ट इज मेटेड हेयर एंड वेंट अवे यहाँ से चले गए थे जो उनकी जटाएं हैं एयर से मतलब आपकी जटाएं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो नीचे की तरफ गुफा के अंदर एक छोटा सा मतलब शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर जाकर आप पूजा कर सकते हो आई हैव बीन टू डेयर बहुत ही अच्छी जगह अगर आप आसपास देखोगे तो रॉक कट्स आपको देखने मिलेंगे और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको देखने मिलेगा वहाँ पर लोग आपके अगर मैं बात करूँगा बात वगैरह भी लेते हैं इट वॉज अ सीक्रेट पॉइंट जिसे अगर मैं बात करूँ जो आपके वहाँ पर देखने को मिलेगा और लॉर्ड शिवा का जो स्टैचू है जो जो आइडल है आपको देखने को मिल जाएगा अगले हम बात करेंगे राजेंद्र गिरी पर्वत के बारे में या राजेंद्र गिरी पर्वत को हम पैनरोमा हिल के नाम से भी जानते हैं 1953 के अंदर पेनोरमा जो हिल है इसका नाम आपके राजेंद्र गिरी कर दिया गया था और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका नाम राजेंद्र गिरी क्यों पड़ा तो इसका नाम राजेंद्र गिरी इसलिए पड़ा हमारे जो उस समय के देन प्रेसिडेंट हुआ करते थे लेट राजेंद्र प्रसाद वो एक बार इस जगह को घूमने आए थे और जब वो इस जगह को घूमने आए तो इस जगह का नाम क्या रख दिया गया आपके राजेंद्र गिरी या पेनोरमा हिल्स बदल कर राजेंद्र गिरी कर दिया गया अगला है आपका धूपगढ़ धूपगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो धूपगढ़ क्या है भाई हाईएस्ट पीक ऑफ दी सतपुड़ा हिल और मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी क्या हो जाती है हमारी धूपगढ़ हो जाती है जो कि मैं उसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर की हाइट है जब आपको धूपगढ़ जाना होगा ना जब आप पचमढ़ी कभी जाएंगे विजिट करने के लिए या आप में से कोई पचमढ़ी गया होगा तो उनका जो व्हीकल रहता है टूरिज्म वालों का वो करीब करीब आपको आठ से दस किलोमीटर लेकर जाएंगे ऊपर हिल टॉप पर वहाँ पर जाके आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सनसेट और सनराइज़ देख सकते हो और ऑन दी नॉर्थ साइड अगर मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट साइड देर इज़ अ वाटरफॉल विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऐसा लगेगा वहाँ से आपको कि उस वाटरफॉल में से दूध गिर रहा हो तो धूपगढ़ अगर मैं बात करूँगा जो कि आपके पचमढ़ी का सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट है याद रखिएगा जिसकी हाइट है आपकी तेरह मीटर अगली हम बात करेंगे आपके महादेव हिल या महादेव गुफा के बारे में जो कि आपके सेकेंड हाइएस्ट हिल है पचमढ़ी के अंदर सत्तर फीट अगर मैं बात करूंगा इसकी हाइट कम है सिर्फ कितनी आपकी जो धूपगढ़ है उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा द द व्यू अराउंड द पीक इज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल देयर इज एन एंशियंट फेमस एंड होली प्लेस अ फेयर इज ऑर्गनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर आपकी मेला भी लगता है महादेव हिल या महादेव की गुफा पर अगली हम बात करेंगे देर इज अ फिफ्टी फीट लॉन्ग नेचुरल केव एट द फूट ऑफ दिल विच इज कॉल्ड दी महादेव केव अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इससे नीचे की तरफ जब आप जाओगे इस हिल के नीचे की तरफ तो आपको एक गुफा देखने को मिलेगी जिसे आपके महादेव केव के नाम से जाना जाता है देर इज लेक इन द केव अगर मैं बात करूंगा आप देखोगे यहाँ पर चौबीस घंटे आपको पानी देखने को मिलता है और वो जो पानी वो आपके गौमुख से आ रहा है यहीं से आप जब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सी दूरी पर जाओगे तो आपको चौरा जो आपके चौरागढ़ महादेव है उनके जाने का रास्ता या सीढ़ियाँ आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं याद रहेगा इंपॉर्टेंट है हम बात कर रहे हैं आपकी किसके बारे में महादेव हिल या महादेव की गुफा आगे हम बात करेंगे यहां पर चौरागढ़ चौरागढ़ मैं बात करूंगा तो ये आपके जो महादेव हिल है वहीं से जाने का रास्ता आपको थोड़ी दूर से आपके सीढ़ियां देखने को मिलेंगी जो कि आपके चौरागढ़ टेम्पल लेकर जाएंगे और ये आप त्रिशूल देख रहे हो यहां पर बहुत सारे भक्त आते हैं और मैं समझता हूं हज़ारों में आपको त्रिशूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़िए लगभग तेरह या तेरह के आसपास यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी स्टेप्स जब आप इनको चढ़कर ऊपर जाओगे त्रिशूल लेकर आपकी जो भी मान्यता है आपने अगर वो पूरी हो जाती है तो आपको वहाँ पर त्रिशूल को चढ़ाना होता है तो जो शेवाइट्स हैं अगर मैं बात करूँ जो डिवोटीज़ है वो पूरे 1300 सौ सीढ़ियाँ लेकर अपने त्रिशूल लेकर चढ़ते हैं और वहाँ पर इस तरीके से त्रिशूल को इंस्टॉल कर देते हैं ठीक है ये हम बात कर रहे हैं चौरागढ़ महादेव के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप देखोगे पर्टिकुलरली व्यू ऑफ दिस सनराइज फ्रॉम हेयर इस फॉरेस्टेड सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ फोर थाउजेंड 4,317 फीट पर फिट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा right, चलिए यहां पर शिवरात्रि और अगर मैं बात करूं संक्रांत के टाइम पर भी आपके बहुत बड़ा मेला लगता है अगले हम बात करेंगे हार्पर केव के बारे में हार्पर केव की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपके पचपड़ी में सिचुएटेड है यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी अगर मैं बात करूँ पेंटिंग्स का लेकर या हार्पर केव का नाम कैसे पड़ा है तो एक व्यक्ति थे जो क्या कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे थे जिसका नाम है हार्प और वहीं से इसका नाम क्या आया है हार्पर की गुफाएं या हारपर केव याद रखिएगा यही अगर मैं बात करूंगा आपकी कहां पर सिचुएटेड है इट इज सिचुएटेड नियर दी जटाशंकर शंकर केव जटा शंकर की जो गुफा है उसी के पास में आपको हार्पर केव देखने के लिए मिल जाएगी अगली हम बात करेंगे आपकी दो द्वीप दो द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो भारत नीर को ही आपकी क्या बुलाता है दोरोथी द्वीप कहते हैं जो कि अगर मैं बात करूंगा क्या है एक तरीके की गुफा है पचमढ़ी के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे जो आपका हमारा डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने एक कंडक्ट किया था यहां पर कब इन द ईयर 1930 1930 में इन्होंने क्या किया था एक एक्सकेविशन कंडक्ट किया था और ड्यूरिंग द एक्सकेविशन उन्होंने क्या पाया यहाँ पर उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे यूटेंसिल्स मिले एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेडिवल एरा मेडिवल यानी मध्ययुगीन आपके काल के बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इनको यहाँ पर देखने मिले देर आर सम आर्टिस्टिक पेंटिंग्स विच आर इन साइड of द एनिमल्स एनिमल की कुछ आपको आर्टिस्टिक अगर मैं बात करूँगा पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर द्रोथी दीप जो कि के, एक केव है ठीक है याद रहेगा आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी पांडव की गुफाएं पांडव केव्स के बारे में ऐसा माना जाता है जो आपके पांडव थे उनका जो वनवास का समय था तेरह साल का वो वनवास का समय उन्होंने पचमढ़ी के आसपास के एरिए में बिताया है और जिन गुफाओं में वो रहे थे उन गुफाओं को क्या कहा गया है पांडव की गुफाएं कहा गया है यही स्टोरी आपकी किसके बारे में पूरी पांडव केव्स के बारे में तो पांडव गुफाएं कहां पर है दोस्त याद रखिएगा ये आपको पचवड़ी में देखने के लिए मिल जाती है अगली हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द इंदौर अभी तक हमने पचमढ़ी की अगर मैं बात करूंगा बारे में डिस्कस कर लिया है आर सम अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट पोर्शन ऑफ पचमढ़ी उनको अपन दूसरे सेक्शन में कवर कर चुके हैं कुछ पार्ट जैसे वाटरफॉल की अगर मैं बात करूँगा अप्सरा वाटरफॉल हो गया बी वाटरफॉल भी उसको कहते हैं डचेज वाटरफॉल हो गया ये सब हमने सेक्शन कहाँ पर कवर कर लिया है ये सारा का सारा सेक्शन सर हमने आपके जो वाटरफॉल वाला सेक्शन था वहाँ पर कवर कर लिया है कुछ और पार्ट जो रहेगा उनको जैसे टेम्पल्स की अगर मैं बात करूँ या फिर फोर्ट्स की बात करूं या पैलेसिस की बात करूं तो उनके लिए एक अलग से मैंने लेक्चर मेन मतलब अगर मैं बात करूं होल्ड करके रखा होगा उसमें हम वहां पर देखेंगे सारी चीज़ों को ठीक है तो टूरिज्म में क्या आपकी जो मेजर साइट्स हैं फ्रॉम दी अगर मैं बात करूँगा मेन्स एंड प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको हम यहाँ पर कवर अप करते चल रहे हैं अब हम बात करेंगे इंदौर के बारे में इंदौर में अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर गांधी हॉल के बारे में गांधी हॉल को अगर मैं बात करूंगा पहले आपको किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जाना जाता था ऐसा क्यों क्योंकि किंग एडवर्ड जो थे वो आपके यहाँ पर आने वाले थे और उनके स्वागत में इसको बनाया गया था एंड लेटर और अगर हम बात करेंगे इसका नाम आपके अगर हम बात करूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कर दिया गया गांधी हॉल इसका नाम कर दिया गया इसको बनाया कब गया था अराउंड 1905 के आसपास इसको आपके बनाया गया तो याद रखिएगा 1905 के आसपास पास इसको बनाया गया है अर्लियर इट वॉज नोन एज यंग एडवर्ड हॉल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट गॉड नेम्ड बाई दी ऑन दी महात्मा गांधी और उसको क्या बोला गया आपकी गांधी हॉल कहा गया है यहाँ अगर आप देखोगे तो एक क्लॉक देखने में मिल रही है ऊपर एक डोम देखने को मिल रहा है यह आपके डोम या आपके क्लॉक देखने में मिल रही है एंड दिस क्लॉक इज स्टिल वर्किंग टूडे यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा वही मैं बात करूँगा फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज मेडअप ऑफ दी व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल जो आपकी फ्लोर यहाँ पर देखने को मिलेगी इट इज़ मेडअप ऑफ वाइट एंड ब्लैक मार्बल ठीक है भाई याद रहेगा कि हमने बात की आपकी गांधी हॉल के बारे में अगली हम बात करेंगे राजवाड़ा कौन नहीं जानता भाई राजवाड़े का नाम चाहे आपके क्रिकेट का जश्न हो या फिर अगर मैं बात करूं सराफा के खाने की बात हो या फिर आपको कोई भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजवाड़ा में आपकी जो देवी है की जो स्टैचू आपके लगाई गई है राजवाड़ा अगर मैं बात करूं इंदौर और राजवाड़े का नाम ऐसा मान लो आप साथ में ही चलता है और सबसे बड़ा प्राइड का सिम्बॉल है भाई राजवाड़ा हमारे इंदौर का अगर बात करेंगे वही अगर हम बात करेंगे इट इज ए सेवन स्टोरी बिल्डिंग अराउंड अगर मैं बात करूंगा एटीन से लेकर एटीन के बीच इसको आपके बनाया गया था होलकर राजा की अगर मैं बात करूंगा यहां पर जब होलकर राजा आपके यहां पर आए थे उन्होंने अपना कैंटोनमेंट को स्टेब्लिश किया था और जब उन्होंने कैंटोनमेंट को इस्टेब्लिश किया था मल्हार राव होलकर की बात कर रहा हूँ उन्होंने ही आपके राजवाड़े का जो कंस्ट्रक्शन है उसको शुरुआत की थी किसके राजवाड़े की याद रखिएगा इसी में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक मेन एंट्रेंस गेट है फिर एक आपको एक बड़ा सा चौगान देखने को मिलेगा आफ्टर दैट चौगान आपको मेन दरबार हॉल देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड दी गणेश हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी को आपकी गणेश हॉल भी कहा जाता है होलकर महाराज अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपने दरबार लगाया करते थे यहाँ पर उनकी कोर्ट लगा करती थी और राजवाड़ा अगर मैं बात करूंगा जो होलकर की इम्पोर्टेंस है अगर मैं बात करूँ होलकर का कर जो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है उसके सारे आपको जो साक्ष्य हैं या उनसे रिलेटेड जो एविडेंसेस है उनकी जो हिस्ट्री है वो आपको राजवाड़ा पैलेस में बहुत बेहतर तरीके से बताई जाएगी आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक पॉइंट तो बताना भूल ही गया दोस्त राजवाड़ा की गेर जो कि आपके हमारे पूरे भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है होली के बाद अभी पंचमी आएगी हमारी और पंचमी के टाइम पर राजवाड़ा की गेर कौन भूल सकता है भाई कभी मौका लगे तो जरूर आइएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लाल बाग के बारे में लाल बाग की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो ये भी आपके होलकर राजा अगर मैं बात करूंगा राव होलकर उन्होंने इसको बनवाया था उनका रेसिडेंस भी हुआ करता था 1892 के आसपास इसको बनाया गया था इसका जो मेन गेट है जैसा कि आप ये गेट देख पा रहे हैं उसका ये एंट्रेंस जो गेट है ऐसा माना था है कि जो बक बन के जो आपका बकिंगम पैलेस है उसकी हुबहू रैपले का या नहीं उसकी हुबह कॉपी आपको देखने को मिलता है इस गेट में हम बात कर रहे हैं आपके लाल बाग जिसे आपके तुकोजीराव तो होलकर थ्री ने बनवाया था इसके अंदर जो म्यूजियम है वो भी आपको देखने लायक है याद रखिएगा लाल बाग पैलेस की हमने बात की अगले हम बात करेंगे श्री गणपति मंदिर जो कि आपके जूनी इंदौर में बनाया गया है यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो ओल्ड जो आपके परमार पीरियड है उस पीरियड का ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा किसकी बात कर रहा हूं श्री गणपति मंदिर के बारे में और इनकी जो अगर मैं बात करूँ जो आइडल है इनकी जो पोजीशन है वो कैसी है आपके पदास्य में मतलब बैठे हुए गणपति आपको देखने को मिलेंगे और इनका जो चेहरा है वो ईस्ट फेसिंग है इनके आसपास लगभग आपके चार फीट आ, मतलब फोर एंड हाफ़ फीट की आपको हाई दीवार मतलब एक हाई मैं बात करूँगा दीवार देखने को मिलेगी और छः फीट की अगर मैं बात करूँगा जो स्टोन है वो आपके देखने में मिलेगा जिससे आपके स्टैचू बनाए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आपके हर सिद्धि टेम्पल इंदौर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंदौर है आफ्टर द इंद्रेश्वर टेम्पल क्योंकि आपकी सेवनटीन फोर्टी में अगर मैं बात करूँगा बनाया गया था इस टेम्पल की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो जो लोक माता इनको कहा जाता है अहल्या देवी उन्होंने कब बनवाया था इसको आपके 1767 के अंदर तो इंद्रेश्वर टेम्पल तो 1741 के अंदर बनाया गया था भाई हम बात करें इंद्रेश्वर टेम्पल जो कि 1741 में बनाया गया था बट उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो जो आपके हर सिद्धि टेम्पल है ये आपके 1767 में बनाया गया है और किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था तो याद रखिएगा अहिल्या देवी जो है उन्होंने आपके इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था यहाँ पर जो आइडल है वो आपके हर सिद्धि देवी का है और इसी के चलते इसका नाम आपके हर सिद्धि मंदिर रखा गया है अगर मैं बात करूँ जो आइडल है वो आपके छावड़ी के पास में आपको देखने को मिला था पीपल अगर पीपल वर्शिप दी मदर आइडल इन द टेम्पल इन फॉर्म ऑफ फोर आर्म्ड हलक्ष मदर इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ऑन दी दशहरा दशहरा के अवसर पर आपकी यहाँ पर विशेष पूजा तो आपको देखने को मिलेगी और अगर मैं बात करूँ हर सिद्धि टेम्पल की तो यहाँ पर चार बुझा जो माता है अगर मैं बात करूँ जिनका हलक्ष्मी के फॉर्म में आपकी हलक्ष्मी के आपके अवतार में पूजा की जाती है अगला है अगला, अगला आपके खजराना गणेश टेम्पल जराना गणेश टेम्पल की अगर बात करूँगा तो इस टेम्पल को भी आपके अहल्या बाई के समय बनाया गया था यहाँ पर बड़ी अगर मैं बात करूँ जो गणपति जी की एक मूर्ति है उसको आपके स्थापित किया गया था यहीं अगर मैं बात करूँगा तो जो स्टैचू है आपके अगर आइडल की मैं बात करूँ तो तीन फुट लंबी है याद रखिएगा इट इज़ थ्री फीट हाई स्टैचू ऑफ दिस टेम्पल विच इज मोर देन टू थाउजेंड टू हंड्रेड ईयर ओल्ड एज ए सिल्वर क्राउन एंड इट्स राइट एंड लेफ्ट एज दी कॉन्सॉर्ट सिद्धि एंड सिद्धि आर सीटेड तो जैसा कि हम देख पाएंगे अगर अंदर आइडल अगर आपको देख, आ, मैं यहाँ पर आइडल है नहीं खजराना गणेश के आप जब दर्शन करने जाओगे तो तीन फीट लंबा आपको उनका जो आइडल है वो देखने नहीं मिलेगा लेफ्ट और राइट में आपको रिद्धि सिद्धि देखने को मिलेंगे और एक सिल्वर क्राउन है जो उनके उनके मस्तक पर आपको देखने के लिए मिलता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बड़ा गणपति टेम्पल के बारे में तो बड़ा गणपति जो टेम्पल है आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा आइडल जो आपको गणपति का देखने को मिलेगा वो आपको इंदौर में है बड़ा गणपति टेम्पल पर देखने के लिए मिल जाता है यही अगर मैं बात करूंगा ये चार भुजाओं वाला आइडल है याद रखिएगा इट इज अ फोर आर्म्ड आइडल ऑफ द लॉर्ड गणेशा इज ऑन द राइट साइड जिनका जो मुख है अगर मैं बात करूंगा आपके दाई तरफ देखने के लिए मिलता है याद रखेंगे उनके जो सूंड है वो आपके राइट साइड में देखने के लिए मिलती है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके बीजासन माता मंदिर के बारे में बीजासन माता मंदिर की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ़ द सिटी में देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूं तो जो देवी टेंपल्स हुए आपके अगर मैं बात करूँगा उनमें सबसे पुराना देवी का मंदिर कौन सा आपके बीजासन माता का मंदिर है और ये आपके एक सिद्ध पीठ कंसिडर किया जाता है यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है दोस्त सो हेयर दी गॉडेज इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन दी फॉर्म्स अलग अलग जैसे अगर मैं बात करूँ दुर्गा शक्ति हुई लक्ष्मी हुई सरस्वती हुई ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में आपको यहाँ पर जो आइडल्स है देवी के वो देखने के लिए मिल जाते हैं अगली हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी कांच मंदिर के बारे में कांच टेम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये इंदौर में जो आपके इतवारिया बाजार है वहां पर आपको देखने को मिलेगा इट इज अ जैन अम्पल इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई दी सर सेठ हुम चंद जैन कौन ने बनवाया था आपके सेठ थे एक आपके जिनका नाम था हुक्म चंद जैन अगर आप वहां पर जाओगे तो एक पैम्पलेट पर मतलब वहाँ पर जो आ, ये जो आप देख पाओगे ऐसे एक पर्टिकुलरली अगर आप देखो एक पैम्पलेट टाइप की लगी हुई है वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है तो आपके बहुत बड़े अगर मैं बात करूँगा इंडस्ट्रियलिस्ट और आपके एक ट्रेडर हुआ करते थे जिनका नाम था हुकुम चंद जैन उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और अगर आप देखोगे तो जो पूरा जो मंदिर बना हुआ है इसमें आपके कांच का काम आपको देखने को मिलेगा मिरर वर्क एंड दैट इज़ द रीज़न इसको आपके क्या कहा गया है आपके कांच मंदिर कहा गया है इसकी जो फाउंडेशन है वो आपके 1903 में रखी गई थी 1903 में इसकी आपके फाउंडेशन रखी गई थी वहीं 1921 के आते आते इसका आपके कंप्लीशन देखने को मिलता है 1903 के अंदर अगर मैं बात करूं यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा आपके जो काँच टेम्पल है इसकी आपकी स्थापना की गई थी और कौन थे वो आपके हुकुम चंद जैन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के आते थे इसका कंप्लीशन हो गया था अगला है आपके अन्नपूर्णा मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्णा मंदिर अगर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ दी मोस्ट फेमस और ओल्डेस्ट टेम्पल आपके कंसिडर किया जाता है यहाँ पर आपको भगवान शिव का एक स्टैचू देखने को मिलेगा एक आइडल देखने को मिलेगा जो कि आपकी कमल मुद्रा में है और उसकी हाइट कितनी है दोस्त चौदह पॉइंट पाँच फीट उसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी कितनी फोर्टीन पॉइंट फाइव फीट आपकी हाइट उसको देखने के लिए मिल जाएगी उस आइडल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो जो हमारे अन्न की दाता हैं अन्न की देवी हैं जिन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है उन्हीं को ये टेम्पल आपके डेडिकेटेड है और उसी की वजह से इसका नाम आपके अन्नपूर्णा टेम्पल पड़ा है अलॉन्ग विद डेट आपको और भी आइडल्स देखने को मिलेंगे जैसे काल भैरव के हनुमान के शिव के ऐसे आइडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अब इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो वो आपको किसकी याद दिलाएगा जो आपका मीनाक्षी टेम्पल है ना उसकी याद दिलाएगा अगर आप देखोगे बहुत बहुत ग्रैंड लेवल पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके माफ़ कीजिएगा ये आप देखोगे तो इस तरीके का आपके मीनाक्षी मंदिर में भी आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीका ही अगर मैं बात करूँ अन्नपूर्णा टेम्पल का जो एंट्रेंस है आपके ग्रैंड डोर है उसको आपके बनाया गया है वही अगर मैं बात करूँ जैसे आप मंदिर के अंदर एंटर हो तो आपको चार बड़े बड़े साइज के हाथी देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आपके महावत बैठे हुए हैं इस टेम्पल की अगर मैं बात करूँ उसको बनवाया किसने था तो एक आपके महामंडलेश्वर स्वामी थे जिनका नाम था आपके प्रबंध गिरी महाराज प्रबंध गिरी महाराज ने 1959 के अंदर आपके अन्नपूर्णा जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था तो प्रबंध गिरी महाराज जो कि आपके महामांडेश्वर स्वामी हुआ करते थे उन्होंने 1959 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था अन्नपूर्णा टेम्पल की अगर मैं बात करूँगा तो आपके दो एकड़ में आपके मंदिर बना हुआ है और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी तक ऐसा लगता है लोगों को कि मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही टेम्पल जो कि आपके द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलता है जो कि आपके तेली का मंदिर है ऐसा नहीं है दोस्त एक और टेम्पल है जो कि आपके मिक्स स्टाइल में बना हुआ है इट इज़ ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन स्टाइल तो अन्नपूर्णा अगर मैं बात करूं आपके द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का एक और एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाता है इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँगा तो 100 फिट से ज़्यादा आपको अन्नपूर्णा मंदिर की हाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी किसकी अन्नपूर्णा टेंपल की अगली हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में भाई रीजनल पार्क रीजनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको राजीव गांधी स्क्वायर जो है हमारा इंदौर के अंदर उसके पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा रीजनल पार्क की अगर बात करेंगे तो इसे आपके आई ने डेवलप किया है 2003 के अंदर यानी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने आपके 2003 में इसको बनाया गया है इस पार्क को टोटल 80 एकड़ में बनाया गया याद रखिएगा 80 एकड़ के अंदर इस पार्क को आपके टोटल बनाया गया है जिसमें से 42 एकड़ जो है वो आपके रिजर्व किए गए हैं किसके लिए फोर्टी टू आपके रिजर्व किए गए दी लेक दर्पज पर अगर मैं बात करूंगा जो लेक है उसके लिए आपके 42 टू एकर्स रिजर्व किए गए एंड 30 एकर्स जो लैंड है वो आपके किसके लिए इट इज फॉर दी अट्रैक्शंस रिमेनिंग पॉइंट्स हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लेट आ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके नाम पर फिर इस पार्क का नाम बदल दिया गया तो 2000 अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तीन में आपके इसको रीजनल पार्क कहा जाता था और बाद में इसको अटल बिहारी पार्क के नाम से जाना जाने लगा याद रखिएगा अटल बिहारी रीजनल पार्क इसको आपके कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी अब इसमें कौन कौन से अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं एक तो आपके आर्टिस्ट विलेज दूसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका मेंटेनेंस अब ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है फिर बोटिंग आपको यहाँ पर लेक में बोटिंग करने के लिए मिल जाएगी फ्रेंच गार्डन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जंपिंग जेट फाउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लेक व्यू पॉइंट आपके बनाया गया है यहाँ पर जहां से आप लेक देख सकते हो अगला है आपके मालवा क्वीन अब ये मालवा क्वीन क्या है ये आपके ओनली अगर मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के अंदर ओनली मिनी मिनी क्रूज रेस्टोरेंट है जो आपके मालवा क्वीन या मालवा डेक क्वीन के नाम से जाना जाता है रीजनल पार्क के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है जिसे आपके अटल बिहारी पार्क भी कहते हैं इसके अंदर 80 लोगों के बैठकर अगर मैं बात करूंगा डिनर uh, uh, करने या लंच करने की कैपेसिटी आपको इसमें जो अस्सी रेस्टोरेंट कैपेसिटी आपके 80 सीट्स की याद रखिएगा 80 परसेंट यहाँ पर कैन हैव लंच और डिनर टुगेदर ठीक है और राइट गाइस सो इसी के साथ हमारा इंदौर वाला जो पोर्शन है ये भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है सो गाइज देट वॉज ऑल फॉर टूडे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टडी वेल हैव अ गुड डे गाइज एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल बा